तो आगरा और मथुरा ये दोनों जो है, जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, ये दोनों जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ सिर्फ एक ही सीमा साझा करता है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल पे। इसके पहले हमने यूपी मेंस पे बात किया था, मेंस के फिफ्थ और सिक्स पेपर के बारे में हमने बात किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल पे। और यूपी स्पेशल में यूपी से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डेटा है, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, या जो जो फैक्चुअल डेटा होता है और जो फैक्चुअल डेटा के जो क्वेश्चंस जो है आपसे यूपी में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पीछे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो है ये मैप है, और इस मैप में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मैप में जो है हम अगर हम देखें तो सबसे पूर्वी जिला, यानी कि अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड, क्योंकि यूपी काफी बड़ा है, 24 करोड़ की जो है पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, और इतने बड़े प्रदेश को गवर्न करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश को अगर हम बात करें कि इसको डायरेक्शन वाइज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को, अगर मैं सपोज दैट ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे ईस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ईस्ट में एक जिला है जिसका नाम है बलिया। ठीक है, बागी बलिया, ठीक है, नाम ही उसका है बागी बलिया, क्योंकि वहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म स्थान है बागी बलिया। ठीक है, इसके साथ साथ मंगल पांडे भी बलिया से। इसके साथ साथ अगर हम बातें पूर्व की बात किया, पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में एक जिला है जिसका नाम है शामली। ठीक है, शामली है। अगर हम बात करें उत्तर में, यानी कि नॉर्थ की बात की जाए, नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सहारनपुर, एंड अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोनभद्रा, यानी कि रॉबर्टगंज मुख्यालय उसका हेडक्वार्टर है, और सोनभद्रा, सोनभद्र वो जगह है जो, मतलब एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो चार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर सोनभद्र के बगल में देखेंगे तो सोनभद्र जो है वो चार जो है राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, झारखंड से और मध्य प्रदेश से। तो ये मैप है चूंकि उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि उत्तर प्रदेश कई राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसके साथ साथ यूटी दिल्ली से भी सीमा साझा करता है, यूनियन टेरिटरी से भी, और अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर उत्तर प्रदेश का नेपाल से भी सीमा साझा होता है। तो हम चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम बात करेंगे, चूंकि प्रीलिम्स के पेपर में जो है 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10-10 क्वेश्चन जो है, चूंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का वेटेज बढ़ा है आपके मेंस के पेपर में, फिफ्थ और सिक्स पेपर, वो दोनों का दोनों जो पेपर है फिफ्थ एंड सिक्स, उसमें पूरा उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ उसमें दिया हुआ है, उसको देखते हुए जो हम जो प्रीलिम्स अप्रोच जो हमारा रहेगा, जो हमारे फैक्चुअल जो क्वेश्चन हमारे आते हैं हम उसको लेकर चल रहे हैं, चूंकि ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो फैक्चुअल डेटा का सेशन है, फैक्चुअल जितने भी आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या फैक्चुअल जो हमको डेटा चाहिए उन सभी के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो राज्य का पुनर्गठन की बात अगर की जाए कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन होता है, और आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले, यूपी से 13 जिले कटकर, 13 जिले कटकर उत्तराखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। उत्तराखंड राज्य जो है ये कह सकते हैं कि यूपी से जो है उत्तराखंड जो है अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें राज्य का नाम क्या था, तो राज्य का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1836 से। राज्य का जो नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत 1836 से था। इसके साथ साथ अगर बात करें उत्तर पश्चिम कब था, आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो 1877 से जो है नाम जो है उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1877 से इसे कहा जाता था। इसके साथ साथ संयुक्त प्रांत के बारे में बात करें तो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध था जो 1902 से था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है संयुक्त प्रांत 1937 से कहा जाने लगा,
और उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 24 जनवरी 1950 का वो दिन जिस दिन जो है यूपी नाम जो अस्तित्व में आया, उत्तर प्रदेश जो नाम था वो अस्तित्व में आया 24 जनवरी 1950 को, इसलिए 24 जनवरी को जो है यूपी डे मनाने की घोषणा की, उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाने की घोषणा 2018 से की गई है, याद रखिएगा 2018 से। तो 2018 से लगातार जो यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन्होंने कहा है कि लगातार हम 24 जनवरी, चूंकि 24 जनवरी वो दिन है जिस दिन जो है यूपी नाम उसका दिया गया, तो 24 जनवरी का वो दिन 1950 और 2018 से लगातार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में अगले स्लाइड। राज्य की राजधानी जो 1836 की बात अगर करें तो 1836 तक जो है जो राजधानी थी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्टेट कैपिटल जो था वो था आपका आगरा, ठीक है, आगरा में ताजमहल भी है, ठीक है। और 1836 से इसकी राजधानी शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में इसकी राजधानी आगरा थी। उसके बाद 1858 से चूंकि तक जो है अगर बात करें तो प्रयागराज था, जिसे हम पहले इलाहाबाद आजकल प्रयागराज उसे बोलते हैं, ठीक है, तो 1858 तक जो था प्रयागराज था। लखनऊ के रूप में अगर बात करें कि राजधानी लखनऊ, यानी कि लखनऊ जो था कंप्लीटली अगर लखनऊ पार्शियल रूप से जो था वो 1921 तक, ठीक है। एंड अगर पूरा का पूरा देखा जाए जो आज वर्तमान में कंप्लीटली जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो पूर्णतः जो है 1935 से, ठीक है। तो इस बात को भी हमको अच्छे से जानना चाहिए कि पहले राजधानी क्या थी उत्तर प्रदेश की, जो फर्स्ट कैपिटल की अगर बात करें तो स्टेट कैपिटल था आपका आगरा, उसके बाद देन प्रयागराज, देन पार्शियल रूप से लखनऊ, एंड देन अगर देखा जाए कंप्लीटली रूप से जो है लखनऊ आपका 1935 से। ये एक बेसिक जानकारी है और आपको ये बेसिक जानकारी सभी को जाननी भी चाहिए। आइए हम थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें राज्य का विभाजन, आप सभी जानते हैं डिवीजन ऑफ द स्टेट, अगर हम बात करें राज्य के विभाजन के बारे में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, काफी बिग स्टेट है और इतना बिग है कि पाकिस्तान भी इससे छोटा है, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से छोटा है। अभी जो हम सेंसस की बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल में पता नहीं 24 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। और उत्तर प्रदेश का जो स्लोगन है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है, 24 जनवरी की अगर जो बात मैंने कहा डिवीजन ऑफ स्टेट, इतना बड़ा अगर उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे हैं, आप सभी को मैं रिकॉल करा दूं कि सन 2000 में तीन राज्य यानी कि यूपी से एक कटकर अलग राज्य बना जिसका नाम है उत्तराखंड, जिसे हम उत्तरांचल कहते हैं, एंड बिहार से कटके एक राज्य बना जिसका नाम है झारखंड, एंड मध्य प्रदेश से कटकर उसे अलग करके एक राज्य बना जिसका नाम है छत्तीसगढ़। नहीं तो सोचिए आज उत्तरांचल अपने उत्तर प्रदेश में आज के वर्तमान में रहता तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कैसी होती। पूरा का पूरा टूरिज्म का जो हब है उत्तरांचल, उत्तराखंड, अगर उत्तर प्रदेश में आज होता तो कितनी और पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की होती। तो सन 2000 की बात करें तो डिवीजन ऑफ द स्टेट हुआ था 9 नवंबर 2000, उत्तरांचल प्रेजेंटली उत्तराखंड वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। सोचिए उत्तरांचल की जो हम बात कर रहे हैं राज्य का विभाजन जो हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 9 नवंबर, चूंकि तीन है डेट है, 1 नवंबर को एक हुआ था सेपरेशन, ठीक है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का छोड़िए, 1 नवंबर दूसरे राज्यों से क्या लेना देना, हम अगर यूपी के बारे में बात करें तो राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उसका नाम रखा गया उत्तरांचल। क्या नाम रखा गया? उत्तरांचल नाम रखा गया, वर्तमान में इसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे जिले कितने हैं जो एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन से लगे हुए हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले हैं, जिसमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एंड शामली, ठीक है। यानी कि यूपी के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनसीआर से अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन नेशनल कैपिटल रीजन लाइक मेरूद यानी कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एंड शामली। ये सारे डेटा जो मैं बता रहा हूं
ये आपके पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इसको भी आपको देखना है। इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो देश का प्रधानमंत्री भी बना, यानी कि यूपी के सीएम के साथ साथ वो आपके केंद्र में भी जो है, मतलब देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी बड़े नेता हैं, और आप सभी जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हुआ भी था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हु हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, चौधरी चरण सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जो डेटा मैं दे रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को आपको याद रखना है क्योंकि पेपर उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है, मतलब ऐसा है जो, कौन सा ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ केंद्र का पीएम भी बना था, मतलब सीएम भी रहा है और वो पीएम भी रहा है, तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, जिसका नाम है बनारसी दास। ठीक है, याद रखिएगा, बनारसी दास। ठीक है, एंड श्रीपति मिश्र, दो लोगों का नाम याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश के असेंबली स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश हु हैव बीन चीफ मिनिस्टर लाइक श्री बनारसी दास एंड श्रीपति मिश्र, दो लोगों का नाम याद रखिएगा। स्पीकर भी थे वो, और बाद में क्या बने वो बाद में जो है उत्तर प्रदेश के क्या बने, वो मुख्यमंत्री भी बने, यानी कि विधानसभा स्पीकर जिसे कहते हैं हम। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के समय विधानसभा स्पीकर सतीश महाना जी है जो कि कानपुर से आते हैं, कानपुर चूंकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, गंगा नदी भी है वहां पर, तो उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधानसभा स्पीकर जो स्पीकर भी रहे और मुख्यमंत्री भी बने, तो जिनका दो नाम याद रखिएगा, श्री बनारसी दास एंड श्रीपति मिश्र। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करें, आप सभी जानते हैं कि तीन अनुच्छेद है हमारे, आर्टिकल्स है 352, 356 एंड 360। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कि प्रेसिडेंट रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट फ्रॉम फरवरी 25, 1968 टू फरवरी 26, 1969, यानी कि प्रदेश में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक जो है प्रदेश में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल्स जो है कब पहली बार लगा था, तो ये डेट याद रखिएगा 25 फरवरी 1968 टू 26 फरवरी 1969। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि स्टेट लेजिस्लेचर बाई कैमरल एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, मतलब राज्य विधानमंडल क्या है, द्वि सदनात्मक है एवं विधायिका, यानी कि वहां पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो दोनों है, चूंकि विधानसभा भी है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा मेंबर की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें, तो लोकसभा सीटों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अगर बात करें लोकसभा सीट यानी कि लोकसभा मेंबर कितने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं लोकसभा के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संसद है यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा देन राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, इन सभी का एक अलग अलग रोल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा, चूंकि लोअर सदन इसे कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, और आप सभी लोकसभा अभी चुनाव भी हुआ था रिसेंटली, सबसे ज्यादा अगर सीटों के बारे में बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, और केंद्र में जो है जब भी कोई पीएम बनता है उसका दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में ही है, इसीलिए योगी जी ने कहा भी है कि मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आप लोग मुस्कुराते रहिए। अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों के बारे में, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट 31 है, ये डेटा याद रखिएगा, एंड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ असेंबली स्पीकर श्री आत्मराम गोविंद खेर एंड केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें लोकसभा सीटों के बारे में, तो लोकसभा में 80 सीट है,
राज्यसभा के बारे में बात करूं तो राज्यसभा में 31 सीट है, विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो विधानसभा में 403 403 सीट्स है, एंड विधान परिषद के बारे में बात किया जाए तो विधान परिषद में 100 सीट है। इस डेटा को आप सभी को याद भी रखना है। यह है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 हैं एंड विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देता है, ठीक है। चलिए, एंड मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम मतलब यह है कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है, तो उनका बना है विधानसभा स्पीकर, जो बना है अध्यक्ष जो बना है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ असेंबली स्पीकर श्री आत्माराम गोविंद खेर एंड केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। केसरीनाथ त्रिपाठी जी सबसे अधिक समय तक, और आत्माराम गोविंद खेर साहब जो है सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के क्या बने हैं, विधानसभा स्पीकर बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा स्पीकर होते हैं, जैसे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर हैं, वैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है इस समय वर्तमान के बारे में बात करूं, इन करंट टाइम में बात किया जाए तो जैसे सतीश महाना जी हैं। अगर हम बात करें विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या तो 404, 403 बेसिकली मान के चलिए, 403 निर्वाचित और एक मनोनीत जो है, ठीक है। इनके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली 404 लाइक 403 इलेक्टेड एंड वन नॉमिनेटेड। एंड विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 100। एंड राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में हुआ था, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट असेंबली जुलाई 1937। एंड सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट कौन सा है, तो उसका नाम है प्रयागराज, सबसे ज्यादा प्रयागराज में सीटें हैं, और आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट लाइक प्रयागराज 12 सीटें हैं प्रयागराज में। एंड सबसे कम विधानसभा वाली सीट जो है वह है श्रावस्ती है, मोहाबा है एंड चित्रकूट है, सिर्फ दो दो सीटें हैं वहां पे, ये भी याद रखना है। सबसे हाईएस्ट कितनी है, सबसे लोवेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो सबसे हाईएस्ट जैसे मैंने बात किया श्रावस्ती है, मतलब सबसे हाईएस्ट तो प्रयागराज में है 12 सीटें हैं, और सबसे लोवेस्ट की बात की जाए कि डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स श्रावस्ती मोहाबा एंड चित्रकूट, कितनी सीटें हैं, ओनली टू सीटें हैं, सिर्फ दो दो सीटें हैं, ये भी याद रखना है हम सभी को, ठीक है। अगला, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, पहला केंद्रीय कारागार जो है उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है वो बरेली में है, यानी कि स्टेट फर्स्ट सेंट्रल प्रिजंस जो है वो कहां पर है, बरेली में है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगा है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट उत्तर प्रदेश में जो लगा है वो 10 टाइम्स जो है उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। इस डेटा को भी हम सभी को याद रखना होगा, ठीक है, कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और आप सभी को ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद भी रखना है। टोटल नंबर ऑफ असेंबली नंबर ऑफ मेंबर्स इन असेंबली 404 403 इलेक्टेड एंड वन नॉमिनेटेड एंड नंबर ऑफ द मेंबर इज लेजिस्लेचर काउंसिल 100 एंड फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट असेंबली जुलाई 1937 एंड डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स सबसे ज्यादा सीटें किस कहां पर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि प्रयागराज क्या है, एक मंडल भी है और प्रयागराज एक जिला भी है, कोई भी मंडल होता है वो जिला भी होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, जैसे अगर मैं बात करूं गोरखपुर मंडल, तो गोरखपुर क्या है, एक मंडल भी है और गोरखपुर एक जिला भी है, ठीक है। अगर गोरखपुर के बारे में अगर स्पेसिफिक बात करूं तो गोरखपुर मंडल भी है और गोरखपुर जिला भी है, क्योंकि गोरखपुर में 4 जिले है, गोरखपुर तो खुद एक जिला है, इसके साथ साथ देवरिया एक जिला है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये महाराजगंज भी एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसके साथ साथ बात करें तो कुशीनारा कुशीनगर ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो जो जिला है मंडल है वो जिला तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या ज्यादा है, तो वो होगा प्रयागराज। एंड सबसे लिस्ट पूछे तो आप बताइए कि श्रावस्ती मोहबा एंड चित्रकूट सिर्फ दो दो सीटें हैं। राष्ट्रपति रूल कितनी बार लगा है, 10 टाइम्स उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ राज्य के प्रथम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, और पंत नगर यूनिवर्सिटी भी है उत्तराखंड में। यहां पे ये पूछा जा रहा है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत साहब।
इसके साथ साथ अगर बात करें कि फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चौधरी नारायण सिंह, यानी कि राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम जब आए तो याद रखिएगा चौधरी नारायण सिंह। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड कंट्री लाइक सुचिता कृपलानी, यहां पर वुमेन के बारे में बात किया है कि कौन सी ऐसी महिला है, राज्य की भी है और देश की प्रथम मुख्यमंत्री होने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है, उनका नाम है सुचिता कृपलानी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का नाम किसका है, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था और सरोजिनी नायडू जी 1925 इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थी और अध्यक्षता उन्होंने कानपुर में किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिनका नाम है आनंदी बेन पटेल, ठीक है, गुजरात की पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। राज्य की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके साथ साथ इंडिया फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क, उसका नाम क्या है, जो नाइट सफारी पार्क इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा, यानी कि भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क कहां पर है, तो वो आपका ग्रेटर नोएडा में है। ये भी आपको एक डेटा है जिसको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, जिनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, यानी कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन ऑफ द स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक श्री चंद्रभाल। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति का नाम क्या था, श्री चंद्रभाल। एंड द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस श्री न्यायमूर्ति वाल्टर। ठीक है, याद रखिएगा कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस श्री वाल्टर, न्यायमूर्ति वाल्टर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे ज्यादा जजों की संख्या है, सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। और यहां पर यही पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर थे। ये भी आपको डेटा याद रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश 240,019,128 स्क्वायर किलोमीटर लाइक 7.33 ऑफ इंडिया एरिया। ठीक है, 7.33% ऑफ इंडिया एरिया, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 240,928 क्या है, वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी कि इंडिया के जितने भी क्षेत्रफल है एरिया है उसका 7.33% है। अगर हम बात करें इसके लैटिट्यूड के बारे में, तो लैटिट्यूड कितना है, 23 डिग्री 52 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री 28 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 28 से लेकर, ठीक है सॉरी, जो अक्षांश है 23-52 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें, तो 77 डिग्री 3 जो है ईस्ट लैंगिट्यूड टू 84 डिग्री 39 ईस्ट लैंगिट्यूड, यानी कि अगर हम देशांतर के बारे में बात करें तो 77.3 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक है। इसके साथ साथ राज्य की जो अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ द स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करें, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर पूरब से पश्चिम का देखा जाए कितना किलोमीटर है, तो ये आपका 650 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 एंड उत्तर से दक्षिण के बारे में अगर बात करें, उत्तर में कौन है, उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में कौन है, दक्षिण में सोनभद्र है, तो इनका अगर डिस्टेंस पूछे कितना है तो आप बताएंगे सर 240 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि उत्तर राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 और राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर ये पूछे कि आप बताइए कि नंबर ऑफ स्टेट एडसेंट
टू द स्टेट कितने हैं, यानी कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। टोटल 9 राज्य हैं, जिसमें से 8 राज्य है और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इनके टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, इनकी नंबर ऑफ द स्टेट एडसेंट टू द सोनभद्रा 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। यानी कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 4 है, और इन चारों का नाम हमेशा याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद द स्टेट विद द लार्जेस्ट बॉर्डर विद द उत्तर प्रदेश इज मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो राज्य कौन सा है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, द स्टेट विद द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद द उत्तर प्रदेश इज हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश तो खैर सभी लोग जानते ही होंगे, हिमाचल प्रदेश 90% जनसंख्या जो है गांव में रहती है और सबसे कम सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला प्रदेश का अगर पूछे कि द ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट यानी कि बलिया एंड वेस्ट शामली एंड नॉर्थ सहारनपुर एंड साउथ सोनभद्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तरी जो है सहारनपुर है एंड दक्षिण में कौन है, सोनभद्रा। ये पढ़ा ही चुका हूं आप सभी को। प्रदेश का सबसे जो है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सोनभद्रा। एंड द प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इन एरिया लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी एरिया कितना है, 7680 स्क्वायर किलोमीटर। एंड प्रदेश का द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इन एरिया लाइक हापुड़, 660 जो है किलोमीटर। यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल में है वो उसका नाम है हापुड़, जो 660 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ द स्टेट एडसेंट टू द सहारनपुर, नंबर ऑफ द स्टेट एडसेंट टू द सहारनपुर यानी कि सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है। सहारनपुर के बगल में हरियाणा भी है, सहारनपुर के बगल में हिमाचल प्रदेश भी है और सहारनपुर के बगल में उत्तराखंड भी है। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि सहारनपुर सबसे क्या है, उत्तर में है, सबसे नॉर्थ साइड कौन सा है, सहारनपुर है। और सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से भी करता है, उत्तराखंड से भी करता है और हरियाणा से भी करता है। इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए एरिया वाइज कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी, एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो आप क्या बताएंगे, उसका नाम है आपका हापुड़, जो है 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें कि एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो एग्रो क्लाइमेट जोन जो लगातार परीक्षा में पूछता है 9 है इन द स्टेट, 9 है, यानी कि उसकी संख्या कितनी है, 9 है, और पेपर में लगातार क्वेश्चन ये पूछा हुआ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूछे गए। अगर पूछा है कि मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन द स्टेट, कितनी ऐसी नदियां हैं यानी कि प्रदेश में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो नदियां हैं गंगा जी है, यमुना जी है, ठीक है, राम गंगा जी है, गोमती है एंड घाघरा है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रदेश में फ्लोटिंग करने वाली, प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं, गंगा जी है, यमुना जी है, राम गंगा है, गोमती एंड घाघरा है। एंड द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम ऑफ द स्टेट यानी कि कौन सा ऐसा प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर है। यह भी आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश ऑफ 3 साइड्स, कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उसका नाम है ललितपुर, जहां पर तांबा मिलता है। ठीक है, इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। अगला अगर हम बात करें तो अगर हम जो अगर देखें कि टच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि जो ऐसे सीमा जो उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए जो जिले हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें उत्तर प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले मिलते हैं, या बिहार के कितने जिले मिलते हैं, या उत्तराखंड से कितने जिले उत्तर प्रदेश के मिलते हैं, ये भी जानना हमको जरूरी है क्योंकि ये भी पेपर में आपका पूछता है।
कितने जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले से सटे हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 75। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से देखेंगे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा के बगल में मध्य प्रदेश चालू हो जाता है। अगर हम बात करें इटावा, बगल में इटावा भी है। अगर हम बात करें जालौन, जालौन भी बगल में है। झांसी, झांसी भी है, ललितपुर भी है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर एंड सोनभद्रा। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं बता रहा हूं, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा हम सीमा साझा करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले, मध्य प्रदेश से यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं, हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट जो है, 11 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और जैसे मैंने इनका नाम बताया, एक एक नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आगरा है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्रा, ठीक है। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी राज्य बिहार की, तो बिहार चूंकि बगल में है और बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले कनेक्ट हैं, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले देखिए बिहार से कनेक्ट हैं। उन 7 जिलों में देखिए, मैंने कहा ना, सोनभद्र जो है वो सबसे साउथ में, सबसे नीचे है सोनभद्र, वो भी है। चंदौली, चंदौली जो है अब बनारस के बगल में है, एक जगह है चंदौली, वो भी जो है बिहार से सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का अफीम फैक्ट्री जहां पर है गाजीपुर में, और काशी की बहन भी इसे कहा जाता है गाजीपुर को। बलिया, जो बागी बलिया है, बलिया जो है जिसे बागी बलिया कहा जाता है, वो भी बिहार से सीमा। देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवराहा बाबा की नगरी देवरिया, ये भी आपका क्या कहें, बिहार से सीमा साझा करता है। कुशीनगर, ये कुशीनारा यानी कि मल्लों की राजधानी जब हुआ करती थी और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इसी कुशीनगर में बनी मिला था, और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। एंड महाराजगंज, महाराजगंज चूंकि नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, तो बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक सोनभद्रा, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एंड महाराजगंज। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है, 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जो है, वो सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे सहारनपुर, शुरुआत में मैंने बोला, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, इसरामपुर, बरेली एंड पीलीभीत, यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जिसमें मैंने कहा सोनभद्र भी है, मुजफ्फरनगर भी है, आपका बिजनौर भी है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, गंगा नदी जहां शुरुआत हो रही है, मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद, रामपुर जिसकी चाकू बड़ी फेमस है, बरेली, झुमका जिसका फेमस है, पीलीभीत, ये सभी के सभी किसे सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की, भाई यूपी वाले तो इतने अच्छे हैं कि अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई करते ही नहीं है। आप देखिए महाभारत की लड़ाई कहां हुई, हरियाणा में, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण रहने वाले कहां के थे, उत्तर प्रदेश वाले अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई नहीं करते हैं। भगवान श्री राम जी को देख लीजिए, यूपी में लड़ाई किया उन्होंने, नहीं, रहने वाले पूर्वांचल के, अयोध्या के, और लड़ने के लिए पहुंच गए, इंटरनेशनल लड़ाई लड़ लिया उन्होंने, यूपी में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होती है। चलिए हरियाणा के बारे में बात करें, हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट जैसे सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर भी है एंड अलीगढ़ है जहां का ताला फेमस है एंड मथुरा, ठीक है। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, ये आपके हरियाणा के साथ, यानी कि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम दिल्ली के साथ बात करें, दिल्ली के साथ बात करें, तो दिल्ली के साथ हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो है 3 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं उससे सीमा साझा करते हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं, वो 3 खूबसूरत जगह जो है वो है बागपत जिला, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, नोएडा है। तो याद रखिएगा 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बागपत है, गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है आपके दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान, त्योहारों का शहर जो है राजस्थान है, राजस्थान सिर्फ आगरा एंड मथुरा, ये दोनों उत्तर प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, आगरा एंड मथुरा, आगरा का पेठा, ठीक है, तो काफी फेमस है आगरा और मथुरा। तो आगरा और मथुरा ये दोनों जो है जो डिस्ट्रिक्ट है
उत्तर प्रदेश के, ये दोनों जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ सिर्फ एक ही सीमा साझा करता है, क्योंकि साउथ में एक जगह है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोनभद्रा, और सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें लास्ट झारखंड का, शुरुआत में मैंने कहा कि झारखंड चूंकि सोनभद्र साउथ में है और सोनभद्र जो है चार राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें अगर हम बात करें आपका सोनभद्र के बगल में बिहार, बिहार से भी सीमा साझा करता है, झारखंड से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है और बिहार से भी करता है। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्रा, ठीक है सोनभद्रा। अगला बात करें हिमाचल प्रदेश, एक ऐसा हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा कोई साझा करता है, बॉर्डर शेयरिंग परसेंटेज सबसे कम है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर। चूंकि मैंने कहा कि एक जो जिला है सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश के टोटल नंबर ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के वो 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। चूंकि हमारा और नेपाल का साथ तो रोटी और बेटी का संबंध है शुरुआती दौर से, नेपाल तो अपना छोटा भाई है, हमारी और उसकी जो संस्कृति देखेंगे मिलती जुलती है और बड़ा लिबरल तरीके से हम लोग रहते हैं, बड़े भाई की तरह से यानी कि बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। जब भी कोई समस्या नेपाल के साथ आती है भारत सबसे पहले फ्रंट पे खड़ा होता है नेपाल के साथ। और नेपाल से देखिए, आपको नेपाल घूमना है कोई वीजा की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए घूमिए। नेपाल के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर्स साझा करता है, जैसे महाराजगंज सोनोली बॉर्डर होते हुए आप महाराजगंज होते हुए जा सकते हैं नेपाल, सिद्धार्थ नगर कपिल वस्तु, बलरामपुर, श्रावस्ती गौतम बुद्ध से, चूंकि जो गौतम बुद्ध के इसका जो जन्म से लेके अगर हम बात करें गौतम बौद्ध सर्किट के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार बात कर रही है कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी स्थान है सभी को एक दूसरे से क्या किया जाए, कनेक्टेड किया जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट हैं जो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं जो मतावलंबी हैं वो लोग आए उत्तर प्रदेश में, और जितने भी सर्किट्स हैं सभी को जोड़ने की बात की जा रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म एक क्या करे, एक उद्योग बन के निकले, एक लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को भी रोजगार मिलेगा, सरकार की आय वृद्धि होगी। जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कोई बड़ी बड़ी कंपनी तो नहीं है लेकिन उत्तराखंड में आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है सरकार के पास, वह टूरिज्म, ठीक है, पर्यटक आएंगे घूमेंगे पैसा, मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को भी एक बहुत बड़ा एक हब है वो टूरिज्म, आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ा हब के रूप में उभर के आया है टूरिज्म। अगर हम बात करें नेपाल तो श्रावस्ती, चूंकि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश भी सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश तो श्रावस्ती में दिया, महापरिनिर्वाण के बारे में बात करें तो कुशीनारा, मल्लों की राजधानी कुशीनारा कुशीनगर में हुई, जो कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत एक कुशीनगर एक जिला है जिसका हेडक्वार्टर पड़रौना है। अगर हम बात करें नेपाल तो नेपाल से महाराजगंज सीमा साझा करता है, सिद्धार्थ नगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है एंड पीलीभीत है। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो है जो आपके साथ नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जितना भी मैंने आप सभी को बताया काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है और आज बात चल रही है उत्तर प्रदेश को कि भाई इतना बड़ा राज्य को गवर्न करना काफी कठिन है, लेकिन मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो ये पहला एपिसोड हमारा था हमारे क्लास का, और ऐसे ही करके हम जो है उत्तर प्रदेश के हर सेक्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उत्तर प्रदेश का जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ, चाहे जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है उसकी सीरीज लेकर हम आए हैं, और ऐसे ही जो है आप लोग को जो है इसके आगे का जो वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अपने कमेंट अपने सुझाव, चूंकि क्लास बाइलिंगुअल होगा और यूपी के, तो चूंकि यूपी नहीं देखा तो क्या देखा, तो जितने भी चीजें हैं आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेंगे, दोनों लैंग्वेजेज में होंगे, तो आप सभी के सभी जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों को देखिए समझिए, उत्तर प्रदेश के बारे में मानिए, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटी
यूपी करेंट, सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा। सेंसस के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, क्लाइमेट के बारे में भी, साइंस, सब कुछ डिस्कशन। चूंकि प्रीलिम्स का पेपर भी अक्टूबर में है और इसके साथ साथ आरओ एआरओ का भी पेपर आपका दिसंबर में है। दो बड़ी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश की और इन दोनों परीक्षाओं में जो है आप देखेंगे जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है और जीएस के पेपर में यूपी स्पेशल का भी बहुत बड़ा रोल है। चूंकि यूपी मेंस में भी जो अगर आप देखें तो फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर, यानी कि फिफ्थ पेपर एंड सिक्स्थ पेपर पूरा का पूरा यूपी ही है, समझिए। वो एक तरह से यूपी ऑप्शनल है, एक तरह से कह सकते हैं उसे, क्योंकि पहले ऑप्शनल होता था, हटा के उसको यूपी का पेपर ला दिया गया फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेपर का, इसलिए यूपी का वेटेज बढ़ गया है। चूंकि यूपी के अधिकारी आप बनने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश को जानिए और मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।